बताने वाली हूँ कुछ खास बातें, तो कैसे इंप्रूव करें अपने ड्राइंग स्किल्स, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको ये इसी वीडियो में बताऊँगी, तो बने रहिए एंड तक। तो मैं आपको इस बार 5 चीज़ें बताऊँगी जिससे आपकी ड्राइंग स्किल्स है वो काफ़ी जल्दी इंप्रूव होगी। तो मैं आपको कुछ अपने बारे में बताती हूँ, मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूँगी इस वीडियो में। मैंने फरवरी 2020 में स्केच बनाना स्टार्ट की थी और अभी सितंबर 2020 हो रही है और मैंने कोई भी ड्राइंग क्लास नहीं ली और मैंने बस यूट्यूब से ही देख देख के स्टार्ट किया था बनाना, क्योंकि पहले से इंटरेस्ट था। और अभी देखिए मैंने कुछ ही महीने में स्केचेस बनाई हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी कि कैसे मैंने इतना अच्छा स्केचेस बनाना स्टार्ट किया, कैसे मैंने ऑप्ट किया। तो पहला मैथड की पहला मैथड ये है कि आप जो भी देखते हो उसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपका सेलफोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर चार्जर ही क्यों ना, ईयरफोन या फिर कुछ भी, बस आप उसके शेप को ट्राई कीजिए, आउटलाइन को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका आउटलाइन अच्छे नहीं बनेंगे तो आपका स्केच भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने वाला। तो आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको तो HB पेंसिल की ज़रूरत है ही, और कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को आप पहले देखिए, उसे ऑप्ट कीजिए एंड देन उसे पेपर में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो दूसरा मेथड ये है कि आपको एवरी डे ड्रॉ करना है, चाहे आप फर्स्ट डे 1 आवर दीजिए, सेकंड डे 2 आवर दीजिए या फिर आधे घंटे क्यों ना दीजिए, बट रोज़ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उससे आपकी बहुत जल्दी इसकी जो इम्प्रूव होती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो वही चीज़ आपको करनी है एकदम परफेक्टली, मतलब रेगुलर आपको ड्रॉ करना है और ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बस कर देना है, नहीं काफ़ी अच्छे से करना है जो आपको सफिशियंट लगे कि हाँ आप खुश हो देख करके, वैसा आपको ड्रॉ करना है और बिलीव में बहुत अच्छा सही रहेगा। तो थर्ड पे चलते हैं, थर्ड नंबर हमारे ये है कि रियलिस्टिक ड्रॉ करने पे। तो हम लोग ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, स्केचिंग क्यों कर रहे हैं? अगर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हो तो आप अगर मान लीजिए फर्स्ट मेथड फॉलो कर लिए हो कि आउटलाइन ड्रॉ करना आपको आ गया, तो कोशिश कीजिए ना मोबाइल को एकदम रियलिस्टिक ड्रॉ करें, एकदम ही रियलिस्टिक। जैसे कि आप कभी कभार किसी पोस्ट में देखते होंगे कि कभी कभार लगता है कि काफ़ी रियल है, तो वैसा आप भी ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। और ये बहुत ही अच्छा मैथड है जो ये थर्ड मैथड है। तो हम लोग चलते हैं फोर्थ मैथड पर। आप बाहर जाकर के कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, लाइव ड्रॉ बहुत अच्छा रहता है। आप स्केच बुक, स्केच पेन या फिर पेंसिल कुछ भी बाहर लेकर के जब भी बाहर जाते हो साथ लेके जाया करो, जब भी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं जो कभी हम लोग फ़ोन में कैप्चर करते हैं, तो आपको कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर बैठ करके ड्रॉ करें, क्योंकि वो आपके स्किल्स को भी बहुत इम्प्रूव करेगा, प्लस आपको रियलिटी वर्सेस योर ड्राइंग आपको साफ साफ नज़र आएगी और तब आपको मालूम चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ सही है। आपको खुद में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और वो बहुत अच्छी रहती है। मैंने भी बहुत बार कोशिश किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से आर्टिस्ट वाली फीलिंग आने लगती है। तो फिफ्थ मैथड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि फीडबैक आपको अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से या फिर कोई भी हो, आपको फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, आपको कहाँ पे सुधारना चाहिए। तो ये सारी बातें जो मैंने 5 मैथड्स आपको बताई वो सही में अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आप स्केचिंग करना अच्छे एंड बेस्ट आर्टिस्ट बन सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव थम्स अप। Thank you.